बुक लेकर आ रहा है कुछ ऐसा जो है वक्त से आगे और कल्पना से परे एक ऐसा रण जिसमें नहीं होगा कोई अस्त्र शस्त्र सवालों का होगा प्रहार जीतेगा वही जिसके पास होगा ज्ञान का भंडार होंगे कई योद्धा जो भेदना चाहेंगे चक्रव्यूह को करके हर चुनौती को पार होंगे पुरस्कार पार और जो हर चुनौती को करेगा पार उसी की होगी जय जय कार भूमि है तैयार बस योद्धाओं का है इंतजार

सक्सेस डजेंट कम फ्रॉम व्हाट यू डू ऑकेजनली सक्सेस कम्स फ्रॉम व्हाट यू डू कॉन्स्टेंटली सो सिंसियर रहना कॉन्स्टेंट होना या फिर एक चीज के तरफ अच्छे से फोकस रखना बहुत जरूरी है कभी ऑकेजनली कुछ चीज पढ़ ली और एग्जाम में चले गए इसके भरोसे एग्जाम नहीं निकलती रिविजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपकी कंसिस्टेंसी सबसे इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम को क्लियर करने के लिए याद रखिए कभी किसी की एग्जाम जल्दी निकलती है कभी लेट निकलती है दैट मैटर कि कुछ मैटर नहीं करता हर किसी का अपना पढ़ने का तरीका अलग होता है हर इंडिविजुअल अलग होता है उसी पॉइंट की तरफ ध्यान रखेगा नाउ टूडे विल डिस्कस मेनी न्यूज उसमें से एक न्यूज है कमेंट सेक्शन के अंदर हमारे दोस्त ने भी उसके बारे में किया था रिगार्डिंग तमिलनाडु तमिलनाडु असेंबली डिसाइडेड असेंबली मैं गवर्नमेंट नहीं कह रहा हूं द होल असेंबली ऑफ तमिलनाडु डिसाइडेड दैट कि नीट एग्जाम को तमिलनाडु में अभी माना नहीं जाएगा 2019 के अंदर भी तमिलनाडु में एआईडीएम के गवर्नमेंट थी उन्होंने भी सेम बिल पास करवाया था <coughs> प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उसको मना कर दिया अब वापस एक बार अभी पे गवर्नमेंट है उन्होंने सेम बिल प्रेजेंट किया हुआ है एंड ईच एंड एवरी पार्टी एक्सेप्ट बीजेपी बीजेपी ने वॉकआउट कर दिया अपोज में वोट नहीं डाला पर बाकी सारी पार्टीज ने क्या, उनको सपोर्ट किया कि भाई हम तमिलनाडु के अंदर नीट एग्जाम एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्यों नहीं करेंगे उसके पीछे क्या रीजन है और क्या एग्जैक्टली exactly कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगे इन सब के ऊपर आज के लेक्चर में बात होगी तो भाई एंड तक बने रहिएगा विल टॉक अबाउट दिस न्यूज इन डिटेल ठीक है we'll detail, स्टार्ट करते हैं यस yes गाइस चलो जल्दी से सेशन को शेयर कर दो लाइक कर दो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे आज के फर्स्ट न्यूज के ऊपर और पहली न्यूज है हिंदी दिवस आज दिवस 14th हिंदी दिवस है फोर्टीन ऑफ सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस सेलिब्रेट करते हैं तो ध्यान रखिएगा देवनागरी स्क्रिप्ट की जो हिंदी लैंग्वेज है उसको हमने ऑफिशियली इस दिन पे एक्सेप्ट किया था एंड वी आर सेलिब्रेटिंग दिस डे अब इसके लिए जो जो इंपॉर्टेंट पर्सन है जिन्होंने काफी ज्यादा मशक्कत की थी हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज इंप्लीमेंट करने के लिए राजेंद्र सिन्हा

देवनागरी लिपि के लिए और 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस वी हैव पार्ट 17 स्केड एट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान की यहाँ पे बात की जाएगी सो ये सो हिंदी दिवस की सबको शुभकामनाएं इसी शुभकामनाओं के साथ आगे बढ़ते पर आगे बढ़ने से पहले गैस देखिएगा राज्य भाषा कीर्ति पुरस्कार राज्य भाषा गौरव पुरस्कार ये मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट पीएस नेशनलाइज बैंक ये इनको दिए जाते हैं हिंदी लैंग्वेज के दिन तो राज्य भाषा कीर्ति पुरस्कार एज वेल एज राज्य भाषा गौरव पुरस्कार ये भी यहां पे आएगा अभी रिसेंटली तमिलनाडु हाई कोर्ट ने एक निर्णय दिया कि तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को कम्युनिकेट करना होगा तो हिंदी लैंग्वेज आप जबरदस्ती यूज मत कीजिए बिकॉज लाइक ऑफिशियल लैंग्वेज नाम का कंसेप्ट है और जिन स्टेट्स के अंदर हिंदी नहीं बोली जाती उनके साथ आप दूसरी लैंग्वेज इंग्लिश यूज कर सकते हो यह ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट मेंशन कर चुका है संविधान भी मेंशन कर चुका है पर फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ साउथ के स्टेट्स के साथ हिंदी लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर रही थी तो केस कोर्ट में चली गई और कोर्ट ने सुनवाई दे दी ऑनरेबल कोर्ट ने सुनवाई दे दी कि भैया जो साउथ के स्टेट हिंदी नहीं बोली जाती वहां पर जबरदस्ती हिंदी में कम्युनिकेट करने में कोई सेंस नहीं बनेगा यू आर वेस्टिंग यूर टाइम यू आर वेस्टिंग यूर इट्स ऑलवेज बेटर इंग्लिश और वहां की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसको यूज किया जाए तो ये ये झगड़े बार -बार, बार बार होते रहते हैं कि हम देश के लिए काम करने वाले तो हम भी 22 ऑफिशियल लैंग्वेज को मानेंगे और चुपचाप पढ़ाई करके आगे बढ़ेंगे फालतू के झगड़ों में जाना नहीं है ध्यान रखिएगा ठीक है आगे बढ़ेंगे दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट न्यूज आपके सामने ये रहा बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज है ध्यान दीजिए इंडियन यूएसए के नो हमारे कंट्री के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर यहां पे आपको दिख जाएंगे जयशंकर साहब की यहां पे बात की जाएगी और यहां पे केरी के सो जॉन केरी की बात करेंगे जॉन केरी इज नॉट द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ यूएसए वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर नहीं है वो स्पेशल एम्बेसडर है यूएस के जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात करते तो यूएस के स्पेशल प्रेसिडेंशियल एम्बेसडर है जो केवल क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात करेंगे जॉन केरी उनका नाम है तो जो बाइडेन साहब ने जॉन केरी को अपॉइंट किया गया है क्लाइमेट चेंज को लेके यूएस का क्या स्टैंड है और पूरे दुनिया में वो बातचीत करते घूमते हैं यूएस गवर्नमेंट का साइट सारे दुनिया के सामने रखते हैं क्लाइमेट चेंज को लेकर अब यह क्यों करना पड़ा ऐसा स्पेशल पर्सन क्यों अपॉइंट करना पड़ा जो बाइडन को इसका भी रीजन है बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप साहब ने क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंसेस से uh, अपना हाथ निकाल दिया था यूएस को uh, uh, कर दिया था जो रिलेशन बिगड़ गए थे उन रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने की, की तो जरूरत पड़ेगी इसलिए जॉन केरी इनको अपॉइंट किया गया अब उनका इंडिया विजिट है उस विजिट के अंदर वो जयशंकर साहब को तो मिले उसके अलावा इंडिया के एनवायरमेंट मिनिस्टर एज वेल एज इंडिया के एनर्जी मिनिस्टर को भी इन्होंने मुलाकात की हुई है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए इंडिया के एनवायरमेंट मिनिस्टर कौन है और इंडिया के एनर्जी मिनिस्टर कौन है बिकॉज इन दोनों के साथ भी जॉन केरी साहब की मुलाकात हुई है और क्लाइमेट चेंज को लेकर इंडिया क्या सोचता है यूएसए क्या सोचता है इनके बीच में किस तरीके से पार्टनरशिप हो सकती है इन सब के ऊपर यहाँ पे डिस्कशन किया गया है तो जल्दी कमेंट सेक्शन के अंदर इंडिया के एनर्जी मिनिस्टर एज वेल एज इंडिया के एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्टर दोनों के नाम जल्दी कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा यस yes, भूपेंद्र यादव साहब यस yes, एब्सोल्युटली भूपेंद्र यादव साहब हमारे मिनिस्टर की की so, की की तो बहुत बढ़िया okay? भूपेंद्र पटेल अलग है कौन है भूपेंद्र पटेल जल्दी कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए कल हमारी बात हुई थी भूपेंद्र पटेल साहब को लेके भूपेंद्र यादव हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर है ध्यान रखिएगा चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते अब सीन देखिए कहा क्या है यहां पे। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले हमने एक न्यूज देखी थी कि भाई ब्रिटेन, यूके, इंडिया में 1.2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने वाली 1.2 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट यूके करने वाली है इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी में

ऐसी सेम कॉन्फ्रेंस कुछ दिनों पहले हमारी जापान के साथ भी हुई थी सेम रीज़न से जापान के भी आ, हमारे आ, उनके भी एम्बेसडर उनके भी मिनिस्टर आए थे इंडिया एंड हमारा डिस्कशन हुआ था कि एनवायरमेंट कॉन्फ्रेंस सीओपी 26 सिक्स ग्लॉसगो में वहां जाने से पहले बातचीत हो जाए तो हाई लेवल मीटिंग वहां पे दी यहां पे भी हाई लेवल मीटिंग है यूएस के साथ तो हमारी मीटिंग्स हुई क्लाइमेट चेंज को लेके यूके ने इंडिया में 1.2 बिलियन इन्वेस्ट करने की बात की है रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर तो ये काफी ज्यादा बातें हो रही है और आजकल मोदी साहब भी बहुत एक्टिव हो गए क्लाइमेट चेंज के डिस्कशन को लेके रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री बहुत एक्टिव हो चुकी है क्लाइमेट चेंज के डिस्कशन को लेकर एन जैसी थर्मल पावर प्लांट वाली कंपनी भी रिन्यूएबल एनर्जी क्रिएट कर रही है तो वो भी बहुत एक्टिव है तो काफी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे तो प्लीज गलती मत कीजिएगा वंस अगेन जॉन केरी इज इन इंडिया ही विजिटेड थ्री मिनिस्टर्स एक हमारे चलो अब आना यहां पे एक concept है स्ट्रैटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप थोड़ा यहाँ पे मैं दिखा देता हूं एक बार क्वेश्चन uh, अभी तो शायद नहीं आएगा आपके एग्जाम में बट यू पीपल शुड नो अबाउट दैट स्ट्रैटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप 2021 में ये ऑफिशियली लॉन्च की गई इंडिया और यूएस के बीच में तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं स्ट्रैटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप ये किन कंट्रीज के बीच में यूएसए सिंपल सा पॉइंट है चांसेस कम है कि भाई एसएससी या फिर बैंकिंग एग्जाम में पूछे यूपीएससी का एग्जाम होगा तो ये पूछने के चांसेस थोड़े ज्यादा है बट स्टिल ध्यान रखिएगा कि स्ट्रैटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप हमारी 2021 में लॉन्च हुई है विथ हुम विथ यूएसए दैट विल बी इनफ इतना एक पॉइंट यहां पे याद रखेगा आपके एग्जाम के लिए मोर देन इनफ रहेगा चले ठीक है यार मुझे एक बात बताइए 450 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी बनाने की बात की है रिन्यूएबल से मोदी साहब ने ईयर क्या बताया मोदी साहब ने जल्दी बता दीजिए ये मोदी साहब ने ईयर क्या बताया हुआ है 450 गीगावाट जल्दी से कमेंट सेक्शन में वो डाल दीजिएगा यस कोई बताएगा इसका आंसर 2030 बहुत बढ़िया 2030 तक हमें

एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे इसको लेके ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं क्लियर है गाइस कोई क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज पूछ सकते हो आप कोई कोई दिक्कत नहीं हां आई विल ट्राई टू आंसर ऑल दोस थिंग्स ठीक है आगे बढ़ते हैं नो ब्रिटन नेशनल हेल्थ सर्विस ऑन 13 सितंबर बिगन uh, एक पॉइंट यहां पे देखते हैं वर्ल्ड बिगेस्ट ट्रायल ऑफ ग्रेल इंग्स फ्लैगशिप गैलरी ब्लड टेस्ट ओके अब इसका ध्यान रखिए। गैलरी ब्लड टेस्ट बहुत चर्चा में चल रहा था बहुत न्यूज में चल रहा था मेडिकल फील्ड के गलियारों में इसकी बहुत बातें चल रही है एक ऐसा ब्लड टेस्ट है जिस ब्लड टेस्ट के भरोसे 50 डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कैंसर के सिम्टम्स समझ में आ सकते हैं किसको कैंसर हो सकता है या किसको कैंसर है इसकी जानकारी यह ब्लड टेस्ट के भरोसे आ सकती है ऐसी ब्लड टेस्ट क्रिएट की गई है गैलरी ब्लड टेस्ट जिसको कहा जाएगा ग्रेल इंडस्ट्रीज नाम की कंपनी है फार्मास्यूटिकल कंपनी या ब्रिटेन की कंपनी है यूके बेस्ड कंपनी इन्होंने इस ब्लड टेस्ट को क्रिएट किया है। नाम रखिएगा गैलरी ब्लड टेस्ट ध्यान रखिए 50 टाइप के कैंसर की जानकारी यहां पे मिलेगी क्या होगा

अगर किसी ट्यूमरस सेल से कोई ब्लड आया होगा तो उस ब्लड को प्रॉपरली चेक करेंगे वहां से हमें अनुमान लग सकता है कि भाई कैंसर है कैंसर होने के चांसेस है okay, so अब कहां कहां से इसकी भी नोट रहेगी इसकी भी वहां पे इंफॉर्मेशन मेंशन रहेगी एंड दे आर गोइंग टू चेक द ब्लड सैंपल्स अगर बहुत जल्दी पता चलता है कि भाई यहां पे, यहां पे पे किन्सरस सेल से या इस पेशेंट के अंदर कैंसर सेल से तो जितने जल्दी डिटरमाइन होगा जितने जल्दी जेनेटिक कॉम्पोजिशन पता चल जाएगा

अनुमान लगा सकते हो कैंसर का डायग्नोसिस कर सकते हो एंड दैट इज द पॉइंट ओवर हियर दैट्स इट ठीक है चलो गाइज सो दैट दैट विल बी वन ऑफ यार आवाज कम आ रही है के यस yes, गाइज मुझे एक बार बता दीजिए मेरी आवाज कम आ रही है कि एवरीथिंग इज ओके जल्दी कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए यस yes, चलो uh, फाइन नेक्स्ट पॉइंट जाते हैं यस ब्रिटेन एवरी वन नोज लंडन की बात करेंगे पाउंड एंड स्टर्लिंग इज द करेंसी बोरिस जॉनसन उनके प्राइम मिनिस्टर और क्रिकेट उनका नेशनल स्पोर्ट्स है ये भी एक पॉइंट यहां पे याद रखेगा ठीक है ओके मेरे ख्याल से लेक्चर में कोई ना कोई ऐसा होना ही चाहिए जिसको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है एनी चलो आगे बढ़ेंगे इन्फोसिस लिमिटेड एंड माइक्रोसॉफ्ट एंटर इन टू द मल्टीयर स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट ऑस ग्रिड द लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द ऑस्ट्रेलिया ईस्ट कोस्ट ओके अब यह न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे क्वेश्चन पूछ जाएंगे ध्यान रखिएगा ऑसग्रिड ऑसग्रिड कोई इंडियन कंपनी नहीं है ऑसग्रिड ऑस्ट्रेलियन कंपनी है इंफोसिस एंड माइक्रोसॉफ्ट टूगेदर हेल्पिंग ऑसग्रिड इन द टेक्नोलॉजी वेज कैसे हेल्प करेंगे इसका एक्साम्पल मैं आपको देता हूं क्लाउड कंप्यूटिंग हम लोग बार बार क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करते हैं आपको याद होगा गूगल क्लाउड कंप्यूटिंग वी डिस्कस अबाउट द एमेजॉन वेब सर्विसेज का क्लाउड कंप्यूटिंग आर मल्टीपल क्लाउड कंप्यूटिंग्स सो माइक्रोसॉफ्ट इन्फोसिस दोनों मिलके मिलकर ग्रिड जो ऑस्ट्रेलिया की बहुत बड़ी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने वाली कंपनी है उसका क्लाउड कंप्यूटिंग अब ये दो कंपनी करने वाली है इंडियन कंपनी अगर किसी फॉरिन कंपनी का क्लाउड कंप्यूटिंग हैंडल करती है उनका डिजिटल प्लेटफॉर्म हैंडल करती है तो एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं

वो पहले जाती है डिस, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के पास और वहां से फिर हमारे घरों तक बिजली आती है वितरण कंपनी जिनको कहा जाता है तो उसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ड्रिड नाम की वितरण कंपनी है उसका क्लाउड कंप्यूटिंग करने की जिम्मेदारी इंफोसिस और माइक्रोसॉफ्ट को देके रखी हुई है दैट द ओनली न्यूज ओवर बाकी आपको ज्यादा डिटेलिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपके लिए मोर देन इनफ रहेगा यार जल्दी मुझे बता दीजिए

वेरी गुड ठीक है चलो ऑल ओके गाइस, चलो बढ़िया आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाएंगे नेक्स्ट न्यूज आपके सामने अब ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है मोराको मोराको की बात करेंगे मोराको के अंदर फाइनली uh, नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए सो so, अजीज uh, अखनौज

किंग जो है जहाँ की जो मोनार है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है बट स्टिल ठीक है एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेंगे कि भाई हु न्यू प्राइम मिनिस्टर सो अकोनौज का नाम यहाँ पे याद रखेगा के नाउ फोर्ब्स के लिस्ट में देखिए भाई साहब जो नए प्राइम मिनिस्टर बने हुए के दो बिलियन का इनका इनकम है सो इज वन ऑफ द रिच पर्सन काफी राइस है Uh, uh, ही है और वही प्राइम मिनिस्टर पे बन गए। रबात इज़ द कैपिटल ऑफ मोराको एंड इज़ द करेंसी ऑफ द मोराको बस कैपिटल और करेंसी की तरफ ध्यान रखिएगा। बाकी कुछ और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ द तो नेम ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ मोराको नाम है उनका अजीज अखनौज नाम ध्यान रखिएगा दूसरा उनके राजा है मोहम्मद द ओके सो ये जो राजा साहब है वैसे पावर इन्हीं के पास होते हैं ज्यादा करके प्राइम मिनिस्टर केवल नाम के लिए होते हैं बट स्टिल उनका नाम ध्यान रखिएगा एंड इज वन ऑफ द वेरी लाइक वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन फ्रॉम द मोरा बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री इसके अलावा एक और कंट्री है जहां पे नए पीएम एम नए गवर्नमेंट बन गए पीएम साहब का तो अनाउंसमेंट पहले हो गया था पर फाइनली गवर्नमेंट बन गई है लेबनन की बात की जाएगी बैरुथ इज द कैपिटल ऑफ लेबनन लास्ट ईयर आपको याद होगा लेबनन में बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था उनके पोर्ट के ऊपर बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था उसके बाद उनकी गवर्नमेंट ने रिजाइन कर दिया उनके पीएम साहब ने रिजाइन कर दिया अभी कुछ दिनों पहले नजीब मिकाटी इनको जो रिचेस्ट मैन है लेबनान के।, के बहुत रईस इंसान है नजीब मिकाटी इनको पीएम अपॉइंट कर दिया और फाइनली इन्होंने अपनी गवर्नमेंट बनाई तो कम से कम 2019 के बाद हम लोग कह सकते हैं कि इस कंट्री के अंदर गवर्नमेंट बनी हुई है अभी तक गवर्नमेंट नहीं थी जब लास्ट टाइम उन्नीस में ब्लास्ट हुआ था उनके पोर्ट के ऊपर उसके बाद बड़ी हालत खराब हो गई थी सो गवर्नमेंट ने रिजाइन कर दिया लोगों ने रस्तों पर आके आंदोलन करना शुरू कर दिया अब जाके नजीब मिकाटी के अंदर गवर्नमेंट क्रिएट हुई है तो यहां पे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे बैरुत इज द कैपिटल ऑफ लेबन एंड लेबनिस पाउंड ये उनका करेंसी है सिंपल सा न्यूज है दो कंट्रीज एज एज दोनों के अंदर गवर्नमेंट्स क्रिएट की गई है दोनों के अंदर अभी अच्छे से काम चलने लगेगा और लेबनन का रीजन कुछ और था मोराको के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है बस उनकी पुरानी गवर्नमेंट गई नई गवर्नमेंट आ गई लेबनन 2019 से प्रॉब्लम फेस कर रही थी एंड राइट नाउ द इज गोइंग टू बी स्टेबलाइज और ये पॉइंट यहां पे आएगा ठीक है चलो

किस तरीके से यूज कर रहे है? इसकी सबकी जानकारी आई ए के पास होती है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी अब ईरान के ऊपर काफी सालों से ब्लेम लग रहा है कि भाई ईरान न्यूक्लियर वेपन बना रही है बहुत सालों से ब्लेम है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बना रही है तो ईरान के जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट है या जहां जहां उनके न्यूक्लियर साइट है वहां पर कैमरे लगाए गए हैं वहां पर कैमरे लगाए गए और कैमरे की सारी फीडिंग जो होती है वो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के पास जाती है उन सारे कैमरों का सारा डेटा उनके पास जाता है के अब उसके जो मेमोरी कार्ड होते हैं मेमोरी कार्ड फुल हो, हो गए देखिए यहाँ पे कितना कितना बड़ा लाइक जोक यहाँ पे चल रहा है उनका मेमोरी कार्ड फुल हो गया अब मेमोरी कार्ड चेंज करना है अब मेमोरी कार्ड चेंज करने के लिए आई ने कहा ईरान को भैया चेंज करवा दीजिए ईरान ने पहले मना कर दिया अब ईरान कह रही है ठीक है चलो आइए चेंज कर दीजिए यार दुनिया में इतनी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी बन रही है और आप वहां पर अभी भी मेमोरी कार्ड डाल रहे हो कैसे होगा आपका सो okay. so, यह बहुत बड़ा दिक्कत यहां पे चलो इन्होंने ये कर लिया अब हमारे लिए न्यूज बन गई अब हमें वो न्यूज पढ़नी पड़ेगी तो ध्यान रखिएगा ईरान और यहां पे बात हो रही है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की और यहां पे एग्रीमेंट देखिए यूनाइटेड नेशन टू अब कीप द मॉनिटरिंग कैमराज एट द ईरानियन न्यूक्लियर साइट अब अपडेट करने सारे कैमरास को और सारे कैमरास की फीडिंग ये अभी वापस एक बार चेक की जाएगी कि गलती तो यहां पे नहीं हो रही है दैट इज अ पॉइंट दे मेंशन ओके बड़ा सा कॉमेडी वाला न्यूज है पर चलो कोई बात नहीं इससे अच्छे कैमरे तो भैया हमारे कंट्री के अंदर है वही सिग्नल पे लगे हुए दिल्ली चेन्नई के जैसे बड़े बड़े कैमराज है वो भी अच्छे से वर्क करते हैं पर इनका कुछ और ही सीन चल रहा है बट एनी दीजिए देखिए न्यू मेमोरी कार्ड इंस्टॉल करने के लिए इनके न्यू मेमोरी कार्ड के चक्कर में एक न्यूज हमारी एक्स्ट्रा बढ़ गई है एनी तेहरान इज द कैपिटल रियाल इज द करेंसी एंड इब्राहिम राइसी ये प्रेसिडेंट है फिलहाल इस कंट्री के और फ्री स्टाइल रेसलिंग ये इनका नेशनल स्पोर्ट है ध्यान रखिएगा बहुत सारे क्वेश्चन

एनी काइंड ऑफ लाइव बैच चाहे फिर बैंकिंग का हो यूपीएससी का हो इंजीनियरिंग का हो या अगर कोई कोर्सेज वेब कोर्सेज भी अगर आपको, लेने तो आप ये आपको 20 मिल जाएगा अच्छी न्यूज कॉमन इंसान के लिए आपके लिए मेरे लिए हमारे घर वालों के लिए बड़ी अच्छी न्यूज है महंगाई थोड़ी सी कम हो गई है yes, की बात की जा रही है so कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अब एग्जाम के एंगल में देखते हैं महंगाई कितनी कम हुई वो बाद में देख लेंगे एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है कि हमारे देश में रिटेल इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने के लिए किसका यूज करते हैं सीपीआई सीपीआई का फुल फॉर्म है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अब डेटा दिया किसने है? ये कैलकुलेशन किया किसने ये कैलकुलेशन किया मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन एंड सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन वेरी सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन जल्दी कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए कि ये मिनिस्ट्री के मिनिस्टर कौन है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन उनके तरफ से ये सीपीआई का डेटा आया हुआ है और इंडिया की महंगाई 5.3% पे आ चुकी है 5.3% देखिए 6.73 जुलाई 2020 उसके बाद कम अबाउट क्रॉस कर कर चुका था महंगा महंगाई हमारा अगस्त 2020 की बात करेंगे अभी 5.30 पे पे आ चुका है, पे आ चुका चुका है है 5.3 इंडिया का इन्फ्लेशन अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन राव इंद्रजीत सिंह एब्सोल्यूटली राव इंद्रजीत सिंह यह हमारे मिनिस्टर है इनका नाम याद रखिए भैया जनगणना जो होती है ना जनगणना अभी देश के अंदर स्टार्ट हो जाएगी एनएसओ ये जनगणना वाले या एनएसओ वाले भी ये इसी मिनिस्ट्री के अंडर काम करते राव इंद्रजीत सिंह साहब इसके मिनिस्टर है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन एक और चीज याद रखना रिटेल इन्फ्लेशन ये सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंडर हम लोग कैलकुलेट करते हैं और फिलहाल इंडिया की महंगाई फाइव पे चल रही है एक और पॉइंट एक और पॉइंट ध्यान दीजिए इंडिया इन्फ्लेशन शुड भी फोर प्लस माइनस टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉलो करती है लास्ट टाइम निर्मला जी ने सेम पॉइंट मेंशन किया था आरबीआई गवर्नर ने सेम पॉइंट मेंशन किया था और एग्जाम के अंदर भी क्वेश्चन आया था कि देश का इन्फ्लेशन आइडियली कितना होना चाहिए चार प्लस माइनस 2 मिस दो से छह परसेंट के बीच में इंडिया का इन्फ्लेशन होना चाहिए कितना है? हो गई। और निर्मला जी तो बहुत ही ज्यादा खुश हो गई कि महंगाई रेंज में आ चुकी है और जो बहुत अच्छी न्यूज है हमारे देश के लिए अब क्यों आ गई सब्जियों के दाम थोड़े से कम हो गए के फूड के दाम थोड़े से कम हो गए ये मैं नहीं कह रहा हूं ये ये लोग कह रहे ठीक है मेरे पे मत चिल्लाना ये लोग कह रहे कि सब्जियों के दाम थोड़े कम हो गए एंड महंगाई कम हो गई ऐसा इनका कहना है सब्जियों के दाम कम हुए कि नहीं हुए या आपको अच्छे से पता होगा या अपनी मदर को एक बार पूछ लीजिए बहुत गाली खाओगे ठीक है चलो कोई बात नहीं आगे बढ़ते यस आ, यस जी सही पॉइंट आपने मेंशन किया कि भाई उर्जित पटेल कमेटी ने फोर परसेंट प्लस माइनस टू परसेंट की बात की थी एब्सोल्युटली राइट ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करें चलो द गवर्नमेंट हैज इंक्रीज द फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द नाइन करोड़ टू सेवेंटी करोड़ टू एंश्योर आयुष कॉलेजेस आर ओपन अक्रॉस द कंट्री नाउ सर्बानंद सोनोवाल साहब जो पहले आसाम के सीएम हुआ करते थे अभी हमारे कंट्री में आयुष मिनिस्ट्री के मिनिस्टर है आयुर्वेदा योगा यूनानी सिद्धा म्योपैथी नेचुरोपैथी सारी जो पैथीज होती है इन पैथीज की एक मिनिस्ट्री है और उस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर फिलहाल सर्वानंद सोनवाल साहब है इनका अनाउंसमेंट हुआ रिसेंटली अनाउंसमेंट ये हुआ कि अभी अगर आयुर्वेदिक कॉलेज बनने या फिर आयुष के अंदर कोई भी कॉलेज क्रिएट करना है तो सत्तर करोड़ तक का फंड ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करेगी पहले केवल नौ करोड़ तक का फंड मिलता था अभी सत्तर करोड़ तक का फंड इन कॉलेजेस को क्रिएट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगा आयुष मिनिस्ट्री देगी ये पॉइंट मेंशन किया गया गुवाहाटी में एक कॉन्फ्रेंस था डाइवर्स एंड फुलफिलिंग करियर पाथ इन द आयुष इस कॉन्फ्रेंस को वो संबोधित कर रहे थे उसी कॉन्फ्रेंस के वक्त में सोनोवाल साहब ने ये अनाउंसमेंट कर दी कि 70 करोड़ तक का फंड है जो हम आयुष कॉलेज क्रिएट करने के लिए देंगे प्लस पंचकर्मा टेक्नीशियन ये नया कोर्स लॉन्च किया जाएगा पंचकर्मा आयुर्वेदा के अंदर पंचकर्मा होते हैं पांच टाइप के अलग अलग विधि होती है पांच टाइप के अलग अलग ट्रीटमेंट प्लान होता है जो पेशेंट के साथ इंप्लीमेंट किया जाएगा उनके सारे व्याधियों को खत्म करने के लिए तो पंचकर्मा अब पंचकर्मा तो हमारे डॉक्टर्स करेंगे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स पर उनको सपोर्ट करने के लिए टेक्नीशियंस रहेंगे तो एक नया कोर्स लॉन्च किया गया है पंचकर्मा टेक्नीशियन नाम का यह भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और ज्यादा यहाँ पे कुछ और uh, करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आसाम के अंदर एक आयुर्वेदिक कॉलेज क्रिएट हुआ है बारी के अंदर आसाम में दे आर गोइंग टू क्रिएट कॉलेज ऑफ एक क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूं अभी रिसेंटली हमारा इंडियन आयुर्वेदिक कॉलेज दिल्ली के अंदर मेन आयुर्वेदिक कॉलेज है उनका आयुष मिनिस्ट्री का किस कंट्री के साथ टाइप हुआ है किस कंट्री के यूनिवर्सिटी में एक ब्रांच ओपन की जाएगी आयुर्वेदा की जल्दी बता दीजिए कौन से कंट्री का यूनिवर्सिटी है जहां पे हमारा इंडियन आयुर्वेदिक कॉलेज प्लस आयुष मिनिस्ट्री दोनों मिलके अपना एक ब्रांच ओपन करने वाले कौन सी कंट्री की बात हो रही है यस yes, बहुत बढ़िया सिडनी की बात होगी एब्सोल्युटली ऑस्ट्रेलिया के अंदर वेस्टर्न सिडनी यस बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ओके वेरी गुड गाइस सिडनी के अंदर एक नया ब्रांच ओपन हो रहा है आयुर्वेदा का वहां पे आयुर्वेदिक नॉलेज और आयुर्वेदिक रिसर्च के लिए अभी मदद की जाएगी एब्सोल्युटली राइट right. बहुत बढ़िया ठीक है आगे बढ़ते नौ इसरो ने पहली बार इसरो ने पहली बार किसी प्राइवेट कंपनी के साथ टाइप किया हुआ है और वो कंपनी है स्काई रूट एरोस्पेस हैदराबाद बेस्ड स्टार्टअप कंपनी है ध्यान रखिए 2018 में इस कंपनी को क्रिएट किया था स्टार्टअप कंपनी है स्काई रूट नाम की स्काई रूट एरोस्पेस वो लोग मिसाइल्स क्रिएट करते हैं क्रिएट करते हैं उस कंपनी के साथ का टाइप हुआ है और पहली बार ने किसी के साथ टाइप किया नासा का हम पढ़ते बहुत बार के 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 साथ साथ लिया या कभी फिर, आ, आ, ओशन के साथ, साथ लिया, या फिर दे द डिफरेंट डिफरेंट वर्जिन के साथ एग्रीमेंट साइन कर लिया तो नासा बहुत बार प्राइवेट कंपनी के साथ एग्रीमेंट साइन करती है इसरो पहली बार किसी प्राइवेट के साथ एग्रीमेंट साइन कर रही है और उस कंपनी का नाम है स्काई रूट अभी क्या करेगा स्काई रूट की अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी है उसका टेस्टिंग इसरो के साथ किया जाएगा अगर उनके मिसाइल्स अच्छे तो इसरो को अलग से मिसाइल मैन्युफैक्चर करने की जरूरत नहीं है स्काई रूट से मिसाइल लिए जाएंगे और उसको लॉन्च किया जाएगा सो डिफरेंट काइंड ऑफ एग्रीमेंट्स यहां पे हो सकते हैं तो इसीलिए स्काई रूट के साथ यहां पे एग्रीमेंट साइन हुआ है ध्यान रखिए हैदराबाद बेस्ड कंपनी है दो हजार अठारह में क्रिएट किया गया स्मॉल रॉकेट अहेड ऑफ लॉन्च इन ट्वेंटी ट्वेंटी टू दे

आपको पता है इन दोनों की तारीफ मोदी साहब ने बहुत बहुत ज्यादा की थी लास्ट टाइम मोदी साहब ने इन दोनों का नाम लिया था अपने मन की बात के अंदर और इनकी तारीफ की थी तो भाई अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया स्पेसिफिकली इनका नाम लेते और इनकी तारीफ करते तो कहीं ना कहीं एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा इन दोनों के नाम इनकी कंपनियां स्काई रूट एंड हैदराबाद बेस्ड कंपनी है अभी इसरो के साथ टाई हो गया एक और चीज विक्रम सीरीज के उनके प्रोडक्ट्स है उनके जो मिसाइल उनका नाम है विक्रम वन, विक्रम टू, विक्रम थ्री, रमन नाम से भी इनके साइंटिस्ट मिसाइल्स क्रिएट किए हुए टेक्नोलॉजी क्रिएट की हुई है यह भी पॉइंट मोदी साहब ने अपने भाषण के अंदर किया था, तो शायद एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है ध्यान रखिएगा ठीक है दोनों के नाम एक बार देख लेते हैं पवन कुमार चंदना एंड द नागा भारत डाका ये दो फॉर्मर साइंटिस्ट थे इसरो के इन्होंने कंपनी क्रिएट की है हैदराबाद के अंदर और विक्रम सीरीज के इनके मिसाइल्स होते हैं ये भी एक पॉइंट आप याद रखिएगा चलो आगे बढ़ते हैं यस गाइस नीरी नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर में हेड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कंपनी नहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, जो एनवायरमेंटल चर्चा हो रही थी इनका टेस्ट कैसा है? कि सलाइन जो होता है ना सलाइन गार्गल कीजिए मीन सपोज फॉर एग्जाम्पल मुझे आरटीपीसीआर करना होगा तो कोई स्वैब वैब मुंह के अंदर नाक के अंदर डालने की जरूरत नहीं सलाइन गार्गल कीजिए वो गार्गल वाला पानी वो लोग कलेक्ट करेंगे और उसके भरोसे आपका आरटीपी से आर टेस्ट होगा तो बड़ा इजी सा टेस्ट है जो इन लोगों ने क्रिएट किया था अभी इस टेस्ट का मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा देखिए इन्होंने टेस्ट तो बना लिया अब इसका कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा तब जाके लोग इस टेस्ट को यूज कर पाएंगे तो एमएससी में मिनिस्ट्री को इन्होंने अपना टेस्ट सौंप दिया है एमएससी मिनिस्ट्री नारायण राणेस आजकल वो मिनिस्ट्री के ऑफिस में कम होते और पोलिस स्टेशन में ज्यादा होते और इंडिया में नया टेस्ट आएगा स्वैब नाक में या मुंह में डालने की जरूरत नहीं है अब सलाइन गार्गल कीजिए और उसके भरोसे आपका आरटीपीसीआर हो जाएगा सो तो विच इज मच बेटर यार वो स्वैब ऐप डालते बड़ी बड़ी तकलीफ होती है आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा रूरल और ट्राइबल एरियाज के लिए बड़ा सूटेबल है वो उन एरियाज के लिए बड़ा सुटेबल रहेगा तो सैंपल कलेक्ट करना बहुत इजी हो जाएगा सो so, नीरी ये हमारे सीएसआईआर के अंडर काम करता है ध्यान रखिएगा अगेन वापस एक बार उसका फुल फॉर्म देख लीजिए नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की यहां पे बात हो रही है एंड विच इज फ्रॉम हेडक्वार्टर फ्रॉम नागपुर दैट विल बी इनफ फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे इन लोगों ने क्रिएट किया हुआ है दैट्स इट मिनिस्ट्री को दे दिया अब मिनिस्ट्री कंपनीज के साथ एग्रीमेंट करके इनको प्रोड्यूस करने की बात करेगी दैट विल बी इनफ फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है चलो एनी क्वेश्चन यू पीपल वॉन्ट टू आस्क चलो आगे बढ़ते फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन द सेंटेनरी सेलिब्रेशंस ऑफ द तमिलनाडु सॉरी तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक ध्यान दीजिए नाइनटीन ट्वेंटी वन में ये तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक क्रिएट की गई थी ओरिजिनल नाम था नडार बैंक ओरिजिनल इस बैंक का नाम था नडार बैंक

वी राममूर्ति ये फिलहाल इस बैंक के सीईओ है इस बैंक के एमडी है बस उसी का यहां पे फंक्शन था 509 ब्रांचेस है टीएमबी की तमिलनाडु मर्क बैंक की ध्यान रखेगा ओरिजिनल नाम था नडार बैंक बाद में नाम चेंज हो गया और तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक टुटिकोरिन से यह बैंक वर्क करता है सो so, उसका फंक्शन था उस फंक्शन के अंदर आ, ये चीज ओपन की गई एंड के वी ये उसके सीओ एम डी है okay, एक और चीज द फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस रोबोटिक्स इन करेंसी चेस्ट ये सबसे बड़ा पॉइंट है फर्स्ट बैंक जिसने रोबोटिक्स यूज किया है अपनी ब्रांचेस में पहली बैंक है इंडिया की रोबोट के मदद से करेंसी चेस्ट चल रही है करेंसी चेस्ट का मतलब क्या होता है करेंसी चेस्ट का मतलब ये होता है सपोज कोई एक एरिया है सपोज हम चेन्नई की बात करेंगे चेन्नई के अंदर सपोज पैसे का लेन देन जो है वो आरबीआई आरबीआई किसी चेस्ट ब्रांच में पैसा भेजती है और चेस्ट ब्रांच की जिम्मेदारी होती है उस एरिया की बाकी ब्रांचेस में पैसे भेजे जाए तो नई करेंसी जब प्रिंट होगी या पुरानी करेंसी जो फटी हुई नोटें होती है जो डुप्लीकेट करेंसी होती है उनको भी अगर आरबीआई के पास भेजना होगा तो पहले उस एरिया के चेस्ट ब्रांच के पास जाएगा और चेस्ट ब्रांच फिर आरबीआई से कम्युनिकेट करेगी नई करेंसी प्रिंट करनी होगी तो नई करेंसी भी आरबीआई चेस्ट ब्रांच को देगा और चेस्ट ब्रांच बाद में उस एरिया में करेंसी को डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो यह चेस्ट ब्रांच का काम होता है तो चेस्ट ब्रांच किसी की भी बन सकती है कोई भी वहां की जो बड़ी बैंक है उसका एक ब्रांच चेस्ट ब्रांच आरबीआई बना देता है इट कैन बी एसबीआई इट कैन बी एच डी एफ सी

उस बैंक के बहुत सारे कस्टमर उस एरिया में तो सिटी वाइज रीजन वाइज आपकी चेस्ट ब्रांच बनेगी और जो आरबीआई के परमिशन से बनती है ध्यान में बैंक बनी हुई थी के टीवी बाल गुरु नडार इन्होंने बैंक को क्रिएट किया था और अभी केवी राममूर्ति फिलहाल इस बैंक के सीईओ और एमडी है ध्यान रखिएगा ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं यस गाइस अभी इंश्योरेंस की बात करेंगे इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन्होंने ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस क्रिएट किया है ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस के देखिए पहले आई कब बना

मैंने किसी को सामान बेचा पर वहां से पैसे नहीं आ पा रहे तो ऐसे नुकसान के लिए इंश्योरेंस बनाया गया है उसको हम लोग कहते हैं ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है देखिए द गाइडेंस फॉर प्रमोटिंग द सस्टेनेबल healthy डेवलपमेंट ऑफ बिजनेसेस एंड इंप्रूविंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बाय लेबलिंग ट्रेड losses ड्यू टू पेमेंट रिस्क अगर पैसे नहीं आते तो ऐसे वक्त में देखिए क्रेडिट इंश्योरेंस इज अ प्रोडक्ट दैट प्रोटेक्ट्स द बिजनेस अगेंस्ट द रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द बायर अगर मैंने किसी को बेच दिया और उससे अगर मेरे पास टाइम पे पैसा नहीं आया पेमेंट नहीं आया तो ऐसे पेमेंट लॉसेस से बचने के लिए ट्रेड इंश्योरेंस इंडिया में किया गया, तो उसी ट्रेड की बाद यहां पे ने की पे ने ने हुई हुई है Insurance Regulatory Development Authority of India ने की हुई है। है, है। देखिए हैदराबाद में है। कुंतिया है। में कुंतिया साहब इसके इसका हेडक्वार्टर दिल्ली से हैदराबाद शिफ्ट करवाया गया तो ये भी पॉइंट यहां पे याद रखेगा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ठीक है क्लियर एनी क्वेश्चन दिस न्यूज कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो ठीके? Now, एक न्यूज है कि ये न्यूज थोड़ी सी डिफिकल्ट है डीबीएस बैंक अभी डीबीएस बैंक इंडिया जो इंडिया के अंदर काम करती है इन्होंने रियल टाइम ऑनलाइन ट्रैकिंग क्रॉस बॉर्डर कलेक्शन फॉर बिजनेस इन इंडिया लॉन्च किया ध्यान दीजिए ये थोड़ी डिफिकल्टी न्यूज है डिफिकल्टी है ध्यान दीजिए सपोज फॉर एक्साम्पल कोई इंडियन कंपनी है बाहर कंट्री में बिजनेस करती है तो उनका जो पैसा आता है ना बाहर कंट्री सपोज फॉर एग्जाम्पल ये पेन बेचने का किसी का कंपनी है ये पेन वो बाहर कंट्री बेच रहा है वहां से जो पैसा आएगा पैसा आया कि नहीं आया रियल टाइम आप चेक कर सकते हो जैसे गूगल पे फोन पे पे होता है ना कि भाई पैसे आए कि नहीं हम रियल टाइम चेक करते कि भाई हाँ आ गए पैसे या चले गए पैसे तो वैसे ही अगर इंटरनेशनल पेमेंट से तो इंटरनेशनल पेमेंट को उसी टाइम पे चेक करने के लिए डीबीएस बैंक ने स्विफ्ट ग्लोबल ग्लोबल पेमेंट इनोवेशन के साथ पार्टनरशिप की है तो इंडिया में पहली बार पहली बार इंडिया में ऐसा होगा इंडिया छोड़िए पूरे एशिया पैसिफिक में पहली बार ऐसा होगा कि रियल टाइम में एक इंटरनेशनल पेमेंट की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी तो भाई पैसे आए कि नहीं देखिए फर्स्ट बैंक इन इंडिया एंड एशिया पैसिफिक टू ऑफर द सर्विस टू क्लाइंट अब एग्जाम में किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसी पहली बैंक जो रियल टाइम में इंटरनेशनल पेमेंट की इंफॉर्मेशन देगी और वो बैंक है डीबीएस बैंक ध्यान रखिएगा सो so यहां पर कम से कम चार हजार बिजनेस हेल्प मिलने वाली है यहां पर पॉइंट मेंशन किया था स्विफ्ट नाम का के स्टार्टिंग में पॉइंट मेंशन किया था स्विफ्ट नाम का जो बैंकिंग का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको तो पता ही होना चाहिए कि भाई स्विफ्ट क्या होता है देखिए स्विफ्ट ना स्विफ्ट का फुल फॉर्म मैं आपको बोल देता हूं स्विफ्ट का फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल सॉरी इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन ये वर्ल्ड लेवल पे यूज करते बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है Okay. अभी क्या होता है सपोज फॉर एग्जाम्पल एसबीआई को पैसे भेजने न्यूयॉर्क बैंक को एसबीआई को न्यूयॉर्क बैंक को पैसे भेजने तो पैसे भेजने से पहले एक मैसेज जाता है एसबीआई से न्यूयॉर्क बैंक में वेरीफाई करने के लिए अकाउंट इस, इस जेन्यून है कि नहीं है यह सही में इसी बैंक है कि नहीं तो एक के लिए जाता है वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन सेंड द मैसेज इस मैसेज का अगर पॉजिटिव रिप्लाई आ गया तो फिर पैसे ट्रांसफर हो गए तो उसी स्विफ्ट की मदद से यहां पे डीबीएस बैंक ने यह सिस्टम क्रिएट की हुई है स्विफ्ट बेल्जियम हेडक्वार्टर है में स्विफ्ट वाला कंसेप्ट क्रिएट किया गया था ग्यारह डिजिट्स का ये कोड होता है स्विफ्ट कोड जो इंटरनेशनली हर बैंक को प्रोवाइड किया जाएगा ब्रांच वाइज पैसे ट्रांसफर करने के लिए याद रखेगा ठीक है ओके आगे बढ़े चलो यस yes.

तो दुनिया की पहली सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल फैक्ट्री है जहां पे केवल महिलाएं काम करेगी एंड दैट इज द बिगेस्ट अनाउंसमेंट डन बाय ओला राइट नाउ सो ये बहुत बड़ी न्यूज है ध्यान रखेगा सो so यहां पे दस हजार महिलाओं को यहां पे अपॉइंट किया जाएगा और एक भी लाइक uh, like मेल पे वर्क नहीं करेगा सारी ईवी सारी इलेक्ट्रिक जो है वो महिलाएं क्रिएट करेगी और मार्केट में लेके आएगी एंड दैट अनाउंसमेंट डन बाय द ओला ये फैक्ट्री तमिलनाडु के अंदर ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि तमिलनाडु के अंदर फैक्ट्री बनाई जा रही है दो करोड़ का इन्वेस्टमेंट है ओला ने इस फैक्ट्री के लिए कि, किया हुआ है और दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल फैक्ट्री जहां पे केवल महिलाएं काम करेगी तो भाई एग्जाम में क्वेश्चन तो भाविश अग्रवाल साहब का आत्मनिर्भर भारत रिक्वायर्स आत्मनिर्भर वन एक बार आत्मनिर्भर वुमेन बन जाए तो इंडिया को डेवलप होने से कोई रोक नहीं सकता और इनकी बात एकदम सही है ध्यान रखिएगा ठीक है चलो भाई पंजाब <coughs> गवर्नमेंट की बात करते अभी इलेक्शन पास में आ रहे अब इलेक्शन जैसे जैसे पास में आ रहे तो यहाँ पे देखिए पंजाब गवर्नमेंट ने लोन माफ कर दिए तो दस हजार एक सौ इक्कावन स्केड कास्ट यूथ ने जो अलग अलग लोन लिए थे पंजाब गवर्नमेंट की योजनाओं के अंदर वो सारे लोन पंजाब गवर्नमेंट ने माफ कर दिए के अभी फार्मर के लोन तो माफ कर ही दिए थे अब इसके बाद यहाँ पे जितने भी स्केड्यूल कास्ट यूथ है उन्होंने अगर लोन लिया होगा तो उनका भी सारा लोन पंजाब गवर्नमेंट ने माफ कर दिया है इलेक्शन क्या क्या नहीं करवाएगा इसके एग्जाम्पल आपके सामने फार्मर फार्मर का लोन लास्ट टाइम माफ किया था उसके बाद जो जिनके पास लैंडलेस फार्मर है उनका भी लोन माफ कर दिया था उसके बाद अभी कास्ट यूथ है उसका भी लोन यहाँ पे माफ कर दिया गया है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी दैट विल बी इनफ इनफके लोन माफ कर दे तो बैंकों का नुकसान होगा नहीं बैंकों का नुकसान नहीं होगा गवर्नमेंट ने अगर लोन माफ किया तो बैंकों को पैसा गवर्नमेंट देगी यूथ को पैसा देने की जरूरत नहीं है स्केड कास्ट यूथ को एक रुपया भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी सारा पैसा पंजाब गवर्नमेंट ये बैंकों को प्रोवाइड करेगी चाहे फार्मर्स रहे लैंडलेस फार्मर्स रहे या फिर स्केड कास्ट यूथ रहे ये पॉइंट यहाँ पे याद रखेगा दैट विल बी न फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है चलो सो हैल पुरोहित साहब अभी नए गवर्नर बन गए ये तो हमें अच्छे से पता है नो डाउट अबाउट दैट आगे बढ़ते हैं द कंट्रीज लार्जेस्ट ओपन एयर फेरनेरी सॉरी फेरनेरी वॉज इनोग्रेटेड इन द रानी खेत उत्तराखंड अल्मोरा डिस्ट्रिक्ट एक्जैक्टली okay. exactly, uh, फेरनेरी क्या होता है फर्ंस पता हो गया आपको फर्स फर्ंस में आपको दिखा देता तो हूं एक बार ये ये देखिए

पॉइंट ऑफ व्यू पर्पज है कि ये भाई ये ऐसी फर्नरी है जहां पे हिमालयन रीजन वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट हर जगह से फर्न प्लांट लाए गए और उसको यहाँ पे डेवलप करने की बात की गई है बाय द उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दैट विल बी इनफ फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दैट्स इट ओके ऐसा ही एक ना तिरुअन के अंदर एक बॉटनिकल गार्डन गार्डन है जहां पे फर्नरी बनाई गई पर वो क्लोज है ये ओपन बनाया गया है कंप्लीट फॉरेस्ट ओरियंटेड तो इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन पे बन सकते हैं फर्न की की पे पे बात की जाएगी दैट विल बी प्लस मेडिकल इंपॉर्टेंस वाले भी फर्न प्लांट इंप्लीमेंट किए जाएंगे या उसका भी पैदावार यहां पे की जाएगी यह भी अनाउंसमेंट उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने की हुई है ध्यान रखिएगा ठीक है यस गाइज चले आगे बढ़े यस yes. प्रेसिडेंट के पास भेजा प्रेसिडेंट ने खारिज करवा दिया अभी तमिलनाडु के अंदर नए गवर्नर भी आ चुके आर एन रवि साहब उनका नाम है चलो अब देखिए डिस्कशन करते क्यों मना किया तमिलनाडु गवर्नमेंट का यह कहना है पहले से तमिलनाडु गवर्नमेंट का यह कहना है कि नीट जो एग्जाम होती है वो इलाइट को फेवर करती है रईस लोगों को फेवर करती है जो लोग क्लास लगा सकते हैं जो लोग बड़े बड़े कोचिंग लगा सकते हैं उनके लिए नीट बड़ी बेहतरीन है जो बेचारे बच्चे बारहवीं का एग्जाम बड़ी मेहनत से देते हैं उसके बाद अलग से उनको नीट का क्लास लगाना पड़ेगा तो उनके लिए काफी बेटर है पर जिनको बारहवीं के मार्क्स मिले उनका क्या वॉट अबाउट डेम तो नीट को हम फेवर नहीं करते ये पहले से ऑल ओवर तमिलनाडु ये कंसर्न है ऑल ओवर तमिलनाडु चाहे फिर गवर्नमेंट रहे अपोजिशन पार्टी रहे कोई भी लोग रहे तमिलनाडु के अंदर वो नीट को पहले से फेवर नहीं करते और फाइनली वापस एक बार तमिलनाडु के पार्ला तमिलनाडु के असेंबली ने इस बिल को पास किया सारी पार्टियों ने सपोर्ट किया बीजेपी वॉकआउट कर गई पर कोई सिग्निफिकेंट नहीं है पर एवरीवन सपोर्टेड इवन तमिलनाडु पॉपुलेशन सपोर्टेड दिस मूव कि हमें नीट नहीं चाहिए के okay. अब इन्होंने कैंसिल कर दिया तो फिर क्या करेंगे देखिए व्हेन इट कम्स टू द एजुकेशन स्टेट का भी अपना पावर होता है सेंटर भी कुछ रूल बना सकती है स्टेट को अगर नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए कोर्ट में जाना पड़ेगा कोर्ट में भी केस चलेगी देखते हमारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या हमारा ऑनरेबल हाई कोर्ट इसके ऊपर क्या कहता है बट नाउ तमिलनाडु इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया डिसाइडेड हमें नीट नहीं चाहिए हम बारहवीं के भरोसे ही स्टूडेंट्स को एडमिशन देंगे पॉइंट मैं बाय देका यह भी कहना है कि जब से नीट आ गया जो गरीब बच्चे उनका परसेंटेज बहुत कम हो गया मेडिकल कॉलेज में और ये डेटा के साथ प्रूव कर दिया इन्होंने लिटरली डेटा ऑल ओवर इंडिया का डेटा है कि जब से नीट आ गया तब से जो फाइनेंशियली बैकवर्ड स्टूडेंट्स है उनका परसेंटेज बहुत कम हो चुका है बिकॉज नीट बिकम द एलाइट लोगों के लिए काफी अच्छा बन गया एंड दैट इज अ पॉइंट पॉइंट मेंशन बाय देम इनका भी सही है पर लेट्स सी क्या कहता है हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर बात करेंगे फिलहाल बस इतना याद रखेगा कि तमिलनाडु बिकम द फर्स्ट स्टेट टू कैंसल नीट एग्जाम इन इंडिया दैट्स इट के

Of रांची के, अंदर so, के नए हेड अभी अपॉइंट किया गया है सलील कुमार साहब को अब इनको नया हेड क्यों अपॉइंट किया रीजन क्या है बिकॉज अतुल भट्ट जो पहले मेकॉन के चेयरमैन थे इनको भी राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड वाई जाएक, वाई जाएक स्टील इसका हेड बना दिया तो वाइजैक स्टील के नए हेड अतुल भट्ट साहब बन गए इसलिए आ, सलील कुमार साहब को भी मेकॉन का नया हेड बनाया गया दोनों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनीज़ है 1959 में मेकॉन को क्रिएट किया गया था ध्यान रखिएगा चलो आगे बढ़ते आ, यस।

बैट्समैन फॉर द आयरलैंड एंड शी जिनको आईसीसी प्लेयर का अवार्ड दिया गया था अब यहाँ पे जोरूट की बात की जा रही इमर रिचर्डसन दैट विल बी न फॉर द एग्जाम नाउ कांग्रेस के, yes, के वेटर लीडर और इंडिया के कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके ऑस्कर फर्नाडिस देहांत हो गया के कल इनका देहांत हो गया सो ही वॉज अ लेबर एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर एज वेल एज रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री भी इनके पास थी ड्यूरिंग मनमोहन सिंह गवर्नमेंट और कल उनका देहांत हो गया तो इंडिया के मिनिस्टर रह चुके हैं दैट्स एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं ऑस्कर फर्नांडिस कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे uh, लोकसभा इलेक्शन जीते थे पहली बार उड़ीपी फ्रॉम कर्नाटका यहां से बिलोंग करते थे और कांग्रेस uh, कमेटी के जनरल सेक्रेटरी भी रह चुके थे ठीक है दैट विल बी नफ फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू

पहले सेक्रेटरी रह चुके हैं जम्मू एंड कश्मीर अकेडमी सेक्रेटरी साहब रह चुके रिसेंटली देहांत हो गया एग्जाम में बन सकता है साहित्य अकेडमी अवार्ड से इनको दो में नवाजा गया था और कश्मीर के अंदर का किताब आन खाने इस अवार्ड से भी इनको नवाजा गया था दो में के में तो अवार्ड विनर राइटर पोएट लिटरेचर में बहुत बड़ा नाम था

मैच uh, कंप्लीट नहीं कर पाए डेनियल रिकार्डो की बात करेंगे he won, uh, this championship, Italian Grand Prix की बात करेंगे। ध्यान रखिएगा। ने 2012 Brazilian Grand Prix के बाद पहली बार यह मैच जीती हुई है क्वेश्चन so, बनेगा। Veltari, Botas, ये थर्ड पोजीशन पे आ गए एंड सो दैट विल बी ऑन द डेनियल रिकार्डियो इट विल बी फॉर यू अब देखिए यहां पे बात करेंगे रमीज़ रमीज़ राजा रमीज राजा बिकम न्यू चेयरमैन न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान क्रिकेट, क्रिकेट बोर्ड में काफी सारे चेंजेस हो रहे एंड रमीज राजा वन ऑफ द वेरी फेमस नेम फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट ही बिकम द न्यू हेड ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड प्लस प्लस इसके अलावा फिलेंडर

मैथ्यू हेडन का आप नाम देख सकते हो और प्लस वर्मी फ्लैंडर फ्रॉम द साउथ अफ्रीका ये दोनों नए कोच अपॉइंट किए गए हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए सो so, ये भी एक क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा मैथ्यू हेडन स्पेशली बिकॉज मैथ्यू हेडन को इंडिया का स्पेशल एन अपॉइंट किया गया था स्कॉट मॉरिसन साहब से ट मॉरिसन साहब ने मैथ्यू एडन को स्पेशल एन अपॉइंट किया था इंडिया के साथ रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अब यही मैथ्यू एडन पाकिस्तान क्रिकेट के अभी नए कोच बने हुए तो एग्जाम में यहां पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और रमेश राजा इज द न्यू हेड ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सो गाइज ये थी हमारी आज की करंट अफेयर्स की न्यूज ये थी हमारे कुछ करंट अफेयर्स की सुर्खिया इन सारे नोट्स को एक्सेस करने के लिए हमारे इस टेलीग्राम चैनल को आप 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 एक्सेस कर लीजिए इसको आप फॉलो कर लीजिए यहां से आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे ठीक है कल सुबह मिलते हैं सात बजे हमारे करंट अफेयर्स के लेक्चर के साथ एंड विल डिस्कस रेस्ट ऑफ द थिंग्स ठीक है तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर सेफ रहिए सुरक्षित रहिए और अच्छे से पढ़ता रहिएगा बाय